स्वामी हम स्वीकार करते हैं, हम बच्चे को जन्म देते हैं और उसी समय से हम लोग बच्चे को संस्कार और संस्कृति देते हैं। बचपन से प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, हर तरह की परिस्थिति में बच्चों को जीना सिखाते हैं। तो माताएं, एक एक माता बधाई के पात्र है जो यहाँ उपस्थित है। प्रत्यक्ष रूप से चाहे उपस्थित नहीं है, उन माताओं को भी आज हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जो माता स्वर्ग सिधर गई है, उन्होंने इस गुमलापल्ली के लिए बहुत काम किया है, महिला संघ की शुरुआत की है, जैसे कड़िया पड़ा की लुइसा के केटा को आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, चाहे नहीं भी जानते होंगे, मगर लुइसा केरकेटा महिला संघ को शुरुआत की है। सिर्फ गुमलापल्ली को नहीं, रांची धर्म महाधर्म प्रांत में भी की भी शुरुआत उसी ने किया है। तो हम लोग उस माँ के लिए जोर से हम लोग धन्यवाद ताली बजा के करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज वो माता लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, जैसे मैं कहूंगी यहाँ फ्रांसिस्का लकड़ा रश्मि नगर की, हमारी लाला नगर की रेजिना कुजू, हमारी नदी टोली की मटिल्डा तिग्गा, जिन्होंने मजबूती के साथ इस महिला संघ को आगे बढ़ाया है। चलिए हम लोग भी उनके लिए जोर से ताली बजाएंगे। साथ ही साथ आजकल हम लोग पेपर में देख रहे हैं तरह तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। माताओं क्यों हो रही हैं? नशा पान के चलते ना। हम माताएं संस्कार बच्चों को जरूर देते हैं, मगर वो संस्कार नहीं दे पा रही हैं जो आज सड़क में दुर्घटना हो रही है। हमारे बच्चे नशा पीकर, सिर्फ दारू नहीं और तरह तरह की नशाएं पीकर कहां कहां लोग चले जाते हैं, दुर्घटना होती है। तो पेपर के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ फलना दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कीटनाशक दवा खा गया और बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। तो प्यारी माताओं, मेरा कहना है हम लोग घर में हड़िया दारू बनाते हैं कि नहीं बताइए? बनाते हैं, मगर कम से कम जवान बेटा लोग के लिए हम लोग नहीं देंगे। अब सोच लगता है कि हमारे ही जवान बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाते हैं ना, कितनी अच्छी बात, कितनी खराब बात है। परिवार में एक बेटा रहता है, कहा जाता है कि फलना जगह उसका दुर्घटना हो गया, मर गया, कितने दुखदायी बात होती है। तो हम माताओं से आग्रह करेंगे कि आप कम से कम हमारे बेटों के लिए आप नशा मत दीजिएगा। और बहुत सारी बातें कहने की है, हमारे बीच में अंधविश्वास भी बहुत है। हम लोग खाली टोना टोटका डैन पिसाही मानते हैं कि नहीं? हंसी चाहिए, बकरा चाहिए, जैसे बोलता है वैसे हम लोग अंधविश्वास में जाते हैं। बहनों, सबसे हम लोग को सावधान रहना है। और हमारी जो संत मोनिका है, वो अपने बच्चे के लिए 18 साल विनती प्रार्थना करके तपस्या की और आखिर में उसका बेटा सुधर गया और बिशप बन गया। तो आज मैं जितने भी माताएं स्टेज पर अपना बहुत अच्छा अच्छा नाट्य प्रस्तुत किया है, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद।